मंगलवार को उत्तरकाशी बाराहाट नगर पालिका के 4 साल पूरे हुए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में कचरा प्रबंधन की समस्या को हल करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। नगर में कचरा ढुलान के लिए 1.5 करोड़ की नई निविदा आमंत्रित की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के केदार घाट पर अतिक्रमण नहीं हो रहा है, बल्कि यहां नगर पालिका खुद स्टोर रूम बना रही है, जिसकी नियमानुसार निविदा डाली जा चुकी है। जल्द ही पालिका क्षेत्र में नवनिर्वाचित दुकानों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बोर्ड के 4 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों में नगर पालिका बोर्ड ने शहर के विकास के लिए ठोस कदम उठाए। शहर में नाली निर्माण, पानी की निकासी, सड़कों से लेकर रामलीला मैदान में घास बिछाने और कलेक्ट्रेट में दुकानों के निर्माण इत्यादि से शहर को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा ज्ञानसू और कलेक्ट्रेट में नई दुकानें बनकर तैयार हैं, जिन्हें पात्र लोगों को जल्द ही आवंटित कर दिया जाएगा। भटवाड़ी रोड पर जितने भी वर्कशॉप दुकान संचालक हैं, उनको ज्ञानसू में जल्द शिफ्ट किया जाएगा। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। कूड़े का जो डंप कूड़ा है हमारे पास, उसके लिए हमने एक बार टेंडर पहले किया था 2000 टन का। अभी मैंने 3500 टन का एक नया टेंडर कर दिया 1.5 करोड़ रुपये का, जिसको टेंडर को आज खुलना है। इस कूड़े को बाहर ले जाएंगे जो अभी तामाखाने में कूड़ा है। बाकी हमारा जो कूड़ा प्रोसेसिंग सेंटर हमने तिरोध में बनाया है, वो गतिमान है। उसमें हमने सरकार से 2-3 करोड़ रुपये और मांगे हैं, ताकि हम उसको तुरंत तैयार कर सकें और उसमें कूड़ा निस्तारण कार्य कर सकें।